जानते हो रेंजर 7 मुझे क्यों पसंद है? यहाँ अमन और चैन का माहौल है। बेचैन हो रहा हूँ। ये शांत चांद तुम्हें बोरिंग लग रहा है? जरा एक नजर इन पत्थरों पर तो डाल कर देखो। बेशक हर पत्थर अपने आप में एक अजूबा है जिससे हम अपनी जरूरत के हिसाब से रोबोट फ्यूल बना सकते हैं। मुझे लगता है गिब्सन ये कहना चाहता है कि हम जहाँ चाहें वहाँ खुशी ढूंढ सकते हैं, ऐसी जगह पर भी जहाँ कोई नहीं रहता। अगर यहाँ कोई नहीं रहता है तो वो कौन है? शहर के बाहरी इलाके में घूमते हुए मुझे एक सुपर रोबोट पड़ा मिला। उसके बाद से मेरी जिंदगी प्राइमेट की चमत्कारी ताकतों से भर गई। रोबोट पंखी जाग उठे और मुझे चीरो को उनका लीडर बना दिया गया। हमारा काम शुगासुन शहर को स्केलेटन किंग से बचाना। चीरो, शायद ये जानवर खतरनाक हो। आ जाओ छुटकू, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बहुत प्यारा है। हे, मैं क्या सोच रहा था जानता हूँ? ओ नहीं चीरो, अब ये मत कहना कि इसे सुपर रोबोट में ले जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा है। शायद खाना ये ज्यादा नहीं खाता होगा, पर इसकी लार बर्दाश्त करनी पड़ेगी। छोड़ो भी, ये छुटकू कोई ज्यादा जगह नहीं लेगा। पर इसे हम ज्यादा दिन साथ नहीं रखेंगे। बेशक रेंजर 7 पर कोई नहीं रहता, इसलिए थिंगी अकेलापन महसूस कर रहा है। जल्दी ही हम इसके घर का पता लगा लेंगे। इसे मुझसे बिल्कुल दूर रखो। अच्छी, और ले जाकर नहलाओ इसे। तुम तो बेवकूफ बन गए, ये तो बस होलोग्राम है। ये देखो, जाकर उस मंकी को पकड़ो। हाँ ध्यान से, उन बीकर्स में खतरनाक केमिकल्स हैं। ओ नहीं, कोई बात नहीं गिब्सन, वो गलती से हो गया। मुझे नहीं लगता, मेरे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये एक नई नस्ल का जानवर है। इसने हमारे कंप्यूटर की तारें खराब कर दी और अपने गंदे बालों से हमारा वेंटिलेशन सिस्टम भी जाम कर दिया। मेरे ख्याल से हो सकता है ये हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हो। थिंगी बहुत मासूम है, क्यों है ना थिंगी? थिंगी?
मासूम? इसकी मासूमियत का पता लगाता हूँ। वेपन रिफ्लेक्स ट्रेनर को इस तरह तैयार किया गया है कि हम हमेशा चौकन्ने रहें और खुद को हर हालत के लिए तैयार रखें। तो कौन चाहता है? पहले मैं। मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। तो क्या इससे भी ज्यादा चुनौती भरा कुछ है? मुझे नहीं लगता ये हमारी टीम के ट्रेनिंग का कोई हिस्सा है। फेज एंड टेस। ये तो वाकई चुनौती भरा था। किसने थिंगी को देखा है? मंकी टीम, मैंने अभी एक चौंका देने वाली खोज की है और इसका ताल्लुक उस चुटकू से है। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? बाहर का दरवाजा खुल रहा है। हवा तुम्हें बाहर केस में खींच लेगी और तुम खत्म हो जाओगे। की बाहर चला गया है। सुपर रोबोट को वापस घुमा जल्दी। ठीक है चीरो, हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं। हाँ, वो थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे। इंपल्शन पावर चली गई है। एंटोरी ट्रैक्टर बीम अभी चालू करो। सॉरी चीरो, लगता है तुम्हारे उस जानवर ने सब बिगाड़ दिया है। वो रेंज से दूर जा रहा है। फॉक्स, क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? बेशक मैं उसे पकड़ सकता हूँ। उम्मीद तो लग रही है। पकड़ लिया। सिर पर एक चोट है, ये ठीक हो जाएगा। बदकिस्मती से मैं इस रोबोट के बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसके सिस्टम में कई जगह खराबी आ गई है। अब हम कहीं भी आ जा नहीं सकते। गिब्सन की बात सुननी चाहिए थी। आ जाओ प्यारे छोटू, इसके अंदर आ जाओ जल्दी से। सॉरी चीरो, मगर हमें इसे पिंजरे में रखना ही पड़ेगा। तुम फंस गए, आप अंदर आ जाओ। अगर यहाँ गिब्सन होता तो कहता, मैंने पहले ही कहा था। बच्चों, मंकी टीम हमले के लिए तैयार। हेरो, मुझे लगता है ये बस घबरा गया है। थिंगी, ये मैं हूँ चीरो। अब ठीक है। मेरे ख्याल से हमें छुटकू को एकदम अलग रखना चाहिए। ये जानवर हमारी सोच से ज्यादा खतरनाक है। हेरो, छुटकू से हमें कोई खतरा नहीं है। रोबोट में ये तोड़ फोड़ हम में से ही किसी एक ने की है। गिब्सन के सर पर कुछ ज्यादा ही गहरी चोट लगी है। यही समझाते समय मुझे एयरलॉक ने बाहर खींच लिया। ये पपड़ी जो छुटकू के बालों से गिरी, साधारण रूसी लग रही थी। असल में स्टैटिक वायरस है जिसे मशीनें खराब करने के लिए बनाया गया है। क्या
ये स्केलेटन किंग की करतूत है। उसने तुम्हारे नन्हे दोस्त में ये बीमारी डालकर उसे हमारे रिफिलिंग स्टॉप पर छोड़ दिया ताकि हम उसे अपना लें। और मेरे हिसाब से हम में से एक रोबोट मंकी में ये वायरस फैल गया है और अब वो स्केलेटन किंग के काबू में है। एक में ही क्यों, सब में वायरस क्यों नहीं फैला? दोस्तों मेरी जांच अभी पूरी नहीं हुई है, पर मैं पता लगा सकता हूँ कि आखिर वो हम लोगों में से कौन है। जांच पूरी हो गई, रोबोट कंप्यूटर अब हमें स्कैन करेगा। क्या मैं पास हो गया? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जिसमें भी ये वायरस है वो टेस्ट पूरा नहीं होने देगा। हाँ, और शायद वो वही है जिसने ट्रेनिंग रूम में मुझे मारने का प्लान बनाया था। हाँ, वही जिसने रोबोट की थ्रस्टर पावर काट कर हमें यहाँ फंसा दिया। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? ऐसा मत करो स्पॉक। बस करो, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से हल नहीं निकलेगा। एंटोरी सही कह रहा है, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। गिब्सन कंप्यूटर ठीक करो ताकि हम टेस्ट पूरा कर सके, बाकी सब अपने अपने कमरे में रहेंगे। अगर वायरस गिब्सन में ही हुआ तो ये मासूम बनने का नाटक कर रहा है। सिर्फ गिब्सन ही इस टेस्ट को पूरा कर सकता है। मैं बाहर रहकर इस पर नजर रखूंगा। हाँ, इस लड़के की बात सुनो। इस लड़के की बात सुनो? मुझे लगता है ऐसा तो सिर्फ स्केलेटन किंग ही बोलता है। तुमने ठीक समझा था स्पार्क्स, वो मैं ही हूँ। मुझ में ही खतरनाक वायरस समाया है। मुझे अपना काम पूरा करना है। शुगर रूम शहर की भयंकर तबाही। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक करने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे इससे भी ज्यादा जरूरी काम करने हैं। ए, एक पागल मंकी कभी अकेला शुगर ज़ूम को तबाह नहीं कर सकता है। मगर मैं अकेला नहीं हूँ, इस गंदे जानवर से ये खतरनाक बीमारी सिर्फ मुझे अकेले नहीं लगी है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है छुटकू, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर दोस्त हैं। मंकी भागो! कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो बताओ हमें से ये वायरस किसमें है? होना तो तुम सब में चाहिए था, पर किसी तरह वायरस तुमको जकड़ नहीं पाया। मैं बाद में तुम्हारी चीर फाड़ करके इसकी वजह जानूंगा। इसके अलावा साफ जाहिर है कि ये वायरस किसमें फैला होगा। हम सब में सबसे ताकतवर मशीन यानी सुपर रोबोट। तुमने गौर नहीं किया, उस वायरस के असर में आते ही रोबोट अपने सिस्टम को खुद खराब कर रहा था, और अब तो वायरस पूरे शहर में फैल चुका है।
Skeleton team, robot monkey team, destroy four, go! ये नजारा देखकर तो वाकई मजा आ गया। हेंगी, हाँ बहुत खूब। मंकी टीम, क्या तुम सुन सकते हो? बहुत देर हो गई लड़के, शुगर जूम बर्बाद हो चुका है। ये थिंगी हमारा इलाज है। इसके चाटने की वजह से वायरस हम में नहीं फैल पाए, सिर्फ गिब्सन को छोड़कर। मुझे पहले मौके पर ही इस राक्षस को मार डालना चाहिए था, मगर अब रोबर्ट तुमसे निपटेगा। थिंगी, गंदे जानवर को मार डालो। टेंगी, तुम्हें हमारी आखिरी उम्मीद हो। हैंड अप बॉल। टीम, रोबोट को टेंगी पर हमला करने से रोको। गंदे प्राइवेट, तुमने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की? टेंगी, रुको। देखो, मैं हूँ जीरो। शाबाश टेंगी, अब मुझे चाटो, लात टपका कर चाटो। लार बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं यहाँ लार में क्यों दबा पड़ा हूँ? हाँ, मंकी टीम, एक अच्छी खबर है। मैंने पता लगा लिया है लड़के का घर किस ग्रह पर है। अब ये अपने घर जा सकता है। ये अभी अभी तो आया है। अगर मैं ठीक से याद करूं तो मुझे लगता है कि ये यहाँ कुछ दिनों का ही मेहमान था। किसी ने गौर किया, गिब्सन फिर बुरा बर्ताव कर रहा है। लगता है इसके अंदर फिर वायरस आ गया है। नहीं, मुझ में नहीं आया है। इसका बस एक ही इलाज है। चाटो इसे थिंगी। रुको, क्या